हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर चेरी मॉम यूट्यूब चैनल। सो आज की जो वीडियो है वो है मेरा प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस जो था, माय फर्स्ट प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस के ऊपर मैं बना रही हूँ। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मैं जो भी बता रही हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ या फिर किसी की मिस्टेक नहीं निकाल रही हूँ, जस्ट मैं बता रही हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, तो हम मेरी शादी जब हुई तो हमने कुछ प्लान नहीं किया था कि हमें अभी चाहिए बेबी, नो वी वर नॉट, मतलब हमारे दिमाग में नहीं था, बट वो नेचुरल हो गया कंसीव, तो हम खुश भी थे। तो जब कंसीव हुआ तो जैसे मेरा साइकिल ना प्रॉपर 28 डेज का साइकिल है मेरा, उससे ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। तो और जब मेरी डेट्स आनी होती हैं तो एक दिन पहले ना मतलब मुझे पता चल जाता है कि मेरा साइकिल आने वाला है। तो मेरा ना साइकिल नहीं आया, तो मुझे हुआ कि मेरा साइकिल नहीं आया तो कहीं कंसीव तो नहीं हो गया है। पर एक मन में था कि मैं वर्किंग थी तो मुझे था कि नहीं नहीं अभी नहीं कंसीव हो सकता, ये थोड़ा है कि पहली बार ट्राई करा और हो गया, बट कंसीव हो गया था। हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने मुझे पूछा कि लास्ट मेंस्ट्रुअल आपका साइकिल कब आया था वो बताइए, तो मैंने वो डेट बताई। तो उन्होंने जब मतलब कैलकुलेट किया तो वो कहते अभी तो पिछले महीने आई है, अभी इस महीने आई नहीं, आपको सिर्फ 2 दिन ऊपर हुए हैं, 3 दिन और आप आ गए। तो उनके जो एक्सप्रेशन थे वो ये थे कि आप इतनी जल्दी क्यों आ गए, पहले तो ये था। बट एनी हाउ वो नोन थे और वो गवर्नमेंट के थे, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के थे वो डॉक्टर। तो उन्होंने फिर मुझे नॉर्मल मेडिसिन लिख दी, प्राइमाजेस्ट वगैरह, ऐसे आयरन का फॉलिक एसिड वगैरह की टैबलेट्स लिखी और उन्होंने मुझे भेज दिया और बोला कि अब आप 1 मंथ के बाद आना। अब जितना मैंने सुना था या फिर जितना मैं अपनी फ्रेंड्स में या फिर फैमिली में सुनती थी, तो वो ये कहते थे कि वो प्राइवेट में अगर कोई जाता था तो उनका अल्ट्रासाउंड होता था जब वो चेकअप के लिए, मतलब फर्स्ट टाइम जाते थे डॉक्टर के पास आफ्टर कंसीविंग। तो इन्होंने मुझे कुछ नहीं ऐसा कहा, तो मुझे लगा कि चलो डॉक्टर तो गलत थोड़ा ना गाइड करेंगे। फिर थोड़े दिन और निकल गए, सेकेंड मंथ चल रहा था, सेकेंड मंथ कम्प्लीट हो गया। फिर सेकेंड मंथ के कंप्लीट होने से मतलब हार्डली हमारे जाने के 4-5 दिन पहले से ही मुझे ना ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई। तो फिर हम गए, टाइम से पहले गए, हम जिस डेट को बुलाया था उससे पहले चले गए। तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे हो रहा है, वो कहते कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो उन्होंने फिर अल्ट्रासाउंड नहीं लिखा था, फिर उन्होंने मुझे बुलाया 15 डेज के गैप में, लेकिन मुझे ज़्यादा होनी शुरू हो गई थी ब्लीडिंग, तो मैं फिर से चली गई 3-4 दिन के गैप में, दोबारा मैं चली गई। मैंने फिर उनको बोला कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ना अल्ट्रासाउंड करवाओ। जब हमने अल्ट्रासाउंड करवाया तो वो ट्विन प्रेगनेंसी थी और बच्चों की हार्ट बीट आ चुकी थी उस टाइम पे। तो हम दोनों बड़े खुश थे, सब खुश थे हम दोनों, एवरी वन वॉज हैप्पी कि हार्ट बीट आ गई है, मतलब ठीक है सब। तो वो कहते ये ना वैसी हो रही है, ठीक है। फिर पर मैंने कहा कि मैम देखो ब्लीडिंग तो हो रही है ना, वो चीज़ तो ठीक नहीं है। तो कहते समटाइम्स क्या होता है ना कि जैसे शायद एक बच्चा, उनका जो एक बोलने का वो था कि एक बच्चा शायद खराब हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा सुन के थोड़ा सा मैं झटका लगा मुझे कि हाउ इजिली शी सेड, और इन्होंने इसका आगे फर्दर मुझे कुछ नहीं बोला, कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए नहीं। तो अब फिर वही दिमाग में कि ठीक तो है, डॉक्टर ने बोल दिया नॉर्मल है, हो जाती हैं ऐसी चीज़ें, ब्लीडिंग हो जाती है, कोई बात नहीं। तो अब हम खुश थे कि ट्विन्स हैं, हम बड़े खुश। तो उसके बाद मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू होगी ब्लीडिंग की, फिर ऐसा लगता था कि जैसे टप 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 हो रहा है। फिर ना मेरी मदर इन लॉ कहते कि हम ऐसा करते हैं, हम एक और एडवाइस लेते हैं, किसी और डॉक्टर के पास भी जाते हैं। फिर हम प्राइवेट में गए, वो बहुत अच्छे गायनेक थे वो भी, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, आप इंजेक्शंस लो, उससे ना ब्लीडिंग रुक जाएगी, क्योंकि देखो ट्विन्स हैं। उन्होंने उसी टाइम पे मेरा अल्ट्रासाउंड ले लिया था, वो कहते ट्विन्स हैं, दोनों की हार्ट बीट है, लेकिन अगर एक बेबी खराब हो रहा है ना तो वो इन्फेक्शन होएगा तो वो अंदर से दूसरे को भी लेके आएगा। जब उन्होंने ये बोल दिया कि एक तो हो चुका है कि इस टाइम पे उसकी हार्ट बीट नहीं है, कुछ नहीं है, और उस टाइम पे हमें बड़ा वो हुआ कि ये ऑल ऑफ अ सडन ही ये चीज़ होगी, हमें तो इस चीज़ का कुछ पता ही नहीं चला। उन्होंने बोला कि आप इंजेक्शन्स लगवा लीजिए। तो हमने क्या किया कि हम ना कंफ्यूज हो गए,
हम दोबारा से उन्हें पहली वाली गायनी के पास चले गए, गवर्नमेंट वालों के पास, और उन्होंने बोला कि ये तो नेचुरल जो हो रहा है उसको वैसे ही होने दो। तो हमने कहा मैम इनके इंजेक्शंस भी तो होते हैं इस चीज के कि ब्लीडिंग रुक जाती है। कहते हाँ होते तो हैं पर नेचुरली होने दो जो हो रहा है। और कहते आप ऐसा करिएगा कि पिलो नीचे रख लेना अपनी लेग्स के और लेग्स ऊपर उठा लेना, उससे भी फर्क पड़ जाते हैं। तो हमने इंजेक्शंस नहीं लिए, SCG के आई थिंक सो उस टाइम पे देते होंगे, तो हमने नहीं लिए। फिर करते करते थर्ड मंथ का एंड ही था तो जो दूसरा बेबी भी था वो मतलब मिसकैरेज हो गया। तो आप ये देखो कि मेरी ब्लीडिंग नॉन स्टॉप चल रही थी सेकेंड मंथ के एंड से लेके थर्ड मंथ तक, लेकिन हमें समझ ही नहीं आता था, कुछ भी पता ही नहीं चलता था। फिर उसके बाद जब मैं गई दोबारा से कि मैम अब मुझे ना बहुत ऐसा लगता है कि जैसे कुछ निकल रहा है मेरे अंदर से थर्ड मंथ में, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया एंड शी सेड कि मिसकैरेज हो गया है, कि दोनों बेबीज नहीं है अब। और उस टाइम पे लिटरली वी क्राइड, हम बड़े रोए, बहुत रोए। तो अब उसके बाद उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, बट वो मेडिसिन थी कि अंदर जैसे पीसीस वगैरह होते हैं फीटस के जो होते हैं कि वो निकल जाए, बट वो निकले नहीं। फिर उन्होंने मुझे DNC के लिए रेफर कर दिया। अब जिस दिन मेरी DNC होनी थी उस दिन मैं गवर्नमेंट में वहीं उन्हीं डॉक्टर के पास गई, मुझे अंदर एडमिट किया गया, और माइट भी उन्होंने इंजेक्शन दिया होगा, इंजेक्शन दिया था शायद ही, थोड़ा नीचे सुन हो जाए आई थिंक सो दिया होगा। तो उसके बाद मुझे अंदर लेटाया गया, जब मेरे को अंदर लेके जा रहे थे वहां पे लाइट चली गई उस OT में। आप ध्यान से सुनिएगा कि ये लाइट चली गई एंड डॉक्टर वहां से निकल गए, वहां पे कोई मेल डॉक्टर थे जो अबॉर्शंस मतलब ये कर रहे थे, तो वो चले गए और अंदर वो नर्सिस ही होती होंगी जो होंगी। अब वहां पे एक मेल भी थे, उन्होंने भी कोट पहना हुआ था, नर्सिस थी 3-4 वो थी। तो उन्होंने आपस में बात की, इंग्लिश में उन्होंने कम्युनिकेट किया, मुझे पूरा समझ आया कि लाइट नहीं है। तो वो आई थिंक सो कि अगर लाइट होती है तो वो शायद ना प्रेशर डाल के खींच लेते हैं ऐसे। अब वो जो थी उन सबने कोट्स पहने थे जैसे डॉक्टर्स पहनते हैं, तो मुझे ना ये नहीं समझ आ रहा, मतलब उस टाइम दिमाग में ही नहीं थी, वो बेंट ऑफ माइंड ही नहीं था, मतलब होता ना वो दिमाग नहीं वहां था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, मतलब बस मुझे ये था कि बेबीज नहीं रहे, मेरे दो थे एंड दोनों ही अबॉर्ट हो गए। तो वो अंदर जब लेके गए तो लाइट नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया कि जो डॉक्टर थे ना वो थोड़े ओल्ड थे, थोड़े से 50-55 के होंगे, वो बाहर चले गए थे क्योंकि वो डिलीवरी करके हटे थे, तो वो बाहर चले गए 5 मिनट्स का, उन्होंने माइट भी ब्रेक लिया होगा। लाइट चली गई और उन नर्सेज होंगी वो, उन्होंने मुझे लेटाया, उन्होंने लिटरली मेरे अपने ऐसे ये हैंड होता है ना जैसे बच्चे खेलते हैं ना मिट्टी के साथ ऐसे खोदते हैं, उन्होंने मेरा अबॉर्शन ऐसे किया ऐसे। और मैं इतना चिल्लाई थी वहां पे जितनी भी फीमेल नर्सेस खड़ी थी, मैंने उन सबको पकड़ लिया था एंड आई लिटरली क्राइड, और इतनी जोर जोर से चीखी थी कि आप पूछो मत। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि अभी तो कुछ भी नहीं है, कल को आप बच्चा कैसे करोगे पैदा। लेकिन वो बार बार ऐसे जब हाथ अंदर यूट्रस तक जा रहा था ना, तो मुझे पता चल रहा था कि इस तरफ गया है, ऐसे गया है, ऐसे। चलो ये हुआ, उसके बाद दे क्लैप्ड, उन्होंने तालियां मारी। क्यों मारी? क्योंकि वहां पे डॉक्टर नहीं था, उन्होंने अपने लेवल पे वो कर दिया। अब मुझे तो समझ नहीं आई इस चीज की, मुझे पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं, क्यों तालियां मारी। ये तो मुझे बाद में घर आ गई जब मैं, तब मुझे रियलाइज हुआ कि उन्होंने तालियां क्यों मारी। मेरा अगर उन्होंने DNC की है तो वो तालियां क्यों मार रहे थे बाद में। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि वहां पे वो जो मेल थे वो डॉक्टर थे, वो बाहर चले गए थे और इन नर्सेज ने अपने लेवल पे कर दिया, कि पेशेंट को तो पता ही नहीं है कौन डॉक्टर है वहां पे कौन नहीं है, क्योंकि जो गायनी थी उसने नहीं DNC की थी और थे। तो उसके बाद देखो क्या हुआ, उसके बाद भी मैंने अपने घर में बताई ये चीज, ठीक है। फिर उस रिगार्डिंग कंप्लेंट भी की गई हॉस्पिटल में, पर उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उसको तो अब छोड़ ही देते हैं चीज को, है ना। अब उसके बाद क्या हुआ कि मेरा जब DNC हो गई तो आफ्टर 1 वीक मुझे फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। मुझे लगा कि ये ना मेरा साइकिल आ गया है, ठीक है। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, लेकिन थर्ड डे क्या हुआ कि जैसे हम नलका खोलते हैं ना पानी निकालने के लिए, पानी आ जाए,
वो ब्लड ऐसे आ रहा था, पानी की तरह ब्लड आ रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था एक ही बार में ब्लड आ जा रहा है। एंड मैंने एक एक घंटे में चार चार छः छः पैड्स बनने हैं, मतलब मेरी ऐसी हालत हो गई थी। तो हम उसी गायनी के पास मैं फिर से गई, क्योंकि अब मुझे गुस्सा हो गया था। अब मैं लिटरली गुस्सा हो गई थी कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि मेरी बॉडी परफेक्टली फाइन, फिट एंड फाइन थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं कुछ बाहर का नहीं खाती थी, मेरे को हैबिट्स नहीं है बाहर का खाने की। फिर मैं वहां गई, मैंने उनको बोला कि मैम ऐसे ऐसे हैं, तो वो कहते कि ना ये साइकिल होगा। मैंने कहा नहीं, साइकिल नहीं है, मैंने कहा वो नलके की तरह, पानी की तरह मेरा ब्लड आ रहा है, जैसे लिटरली कोई नलका चला रहा है तो पानी आता है वैसे निकल रहा है। तो वो समझ गए थे एक्चुअली, शी अंडरस्टूड कि क्या हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, मुझे ना अल्ट्रासाउंड रेफर कर दिया। ठीक है, अब अल्ट्रासाउंड रेफर किया तो उन्होंने मेरी जो पर्ची थी उस पे अल्ट्रासाउंड तो लिखा, लेकिन उसके नीचे डेट नहीं डाली। मैं उनके घर गई थी इवनिंग में, जो गवर्नमेंट के वो डॉक्टर थे, तो मैं उनके घर गई थी, तो उन्होंने डेट नहीं डाली। और मैं अल्ट्रासाउंड करवाने गई, फिर मैं नेक्स्ट डे उनके पास जब दोबारा से गई, उस दिन उन्होंने शाम को मुझे फिर एंटरटेन नहीं किया, फिर मैं नेक्स्ट डे गई थी उनके पास दोबारा से, तो वो कहते कि पीसीज रह गए हैं। जब उन्होंने ये बोला तो मैं लिटरली मैं वहीं पे खड़े खड़े मैं रो दी कि मेरा क्या कर दिया इन्होंने, मतलब मेरी बॉडी का क्या कर रहे हैं ये, मेरे बच्चे का क्या किया इन्होंने, बच्चों का और मेरे साथ भी क्या हुआ। फिर आई लिटरली क्राइड एंड घर में सब रोए। और उसके बाद फिर मैं प्राइवेट में गई, वहां मेरा दोबारा से डीएनसी हुई। बट जब मेरी सेकेंड टाइम हुई तो मुझे इतना सा भी पता नहीं चला कि मुझे क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि पेन ही नहीं हुई। तो दिस वॉज माई फर्स्ट प्रेगनेंसी, मेरे ट्विन प्रेगनेंसी थी। एंड अब आप इसको कुछ भी कह लीजिए, ये किस्मत थी कि अपनी बेअकल पन है, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी समझ ही नहीं, पता भी चल रहा है कि इंजेक्शन ले लेने चाहिए फिर भी डरे हुए हैं। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि एक नहीं, दो नहीं, चाहे तो तीन गाइनीस पकड़ो, पर पकड़ो यार, अच्छे से पूछो, बच्चे बार बार नहीं होते। तो उस टाइम पे फिर अब पता भी चल रहा है, डर भी था, कुछ समझ नहीं आया। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अपना ध्यान रखो, बी अटेंटिव, बेवकूफ नहीं बनना। आजकल कोई किसी के लिए बॉदर नहीं करता, किसी की लाइफ के लिए आपको खुद अपने लिए ध्यान देना पड़ता है। कोई भी फीमेल है अपने लिए ध्यान दो, ठीक है। अभी तो आप ये देखो कि अभी तो मेरे फैमिली टच वुड दे आर वेरी नाइस, है ना। तो फिर उसके बाद सेकेंड टाइम डीएनसी होने के बाद तो वॉज लाइक कि फिर हमने काफी टाइम हम रोते रहे उस चीज के लिए कि ट्विंस थे एंड नेचुरली कंसीव हो गया था एक ही बार, मतलब ट्राई आउट करने पे। आपका कंसीव होता है ना तो उसको रखो। कुछ लोग पूछते हैं कि मैम हमने प्लान नहीं किया था, हो गया है, हो गया उसको रखो यार, मत उसको अबॉर्ट मत करवाओ बेबी को। क्यों अबॉर्ट करवाना है, दुनिया बहुत दुखी है, नहीं होते हैं लोगों को बच्चे, नहीं होते यार। मैंने देखा है 10 10 12 12 साल लग जा रहे हैं, बेबीज नहीं हो रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, एक एक बच्चे के लिए तरस रहे हैं। इसलिए रखो, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये था मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस। आई होप आप इससे कुछ सीखें, ताकि आपको रोना ना पड़े, आपकी फैमिली को रोना ना पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।